हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे पहली प्रीमियम ट्रेन है। इस ट्रेन में यात्रियों को यात्रा के दौरान बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में यात्रियों को क्या क्या सुविधाएँ मिलती है भारतीय रेल द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा है। इस ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करने में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। जैसे आपको बता दें, राजधानी एक्सप्रेस में दो टाइप के सीट्स होते हैं, एक होता है कैबिन और एक होता है कूपे। कैबिन में टोटल चार पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और वहीं कूपे में दो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच कैबिन और कूपे में दरवाज़ा रहता है, जो कि आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप यात्रा के दौरान दरवाज़ों को बंद करके अपना प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। कैबिन में नॉर्मली फैमिली मेंबर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अगर एक फैमिली के चार मेंबर हैं तो वो कैबिन प्रेफर करते हैं। तो यही कैबिन में चार फैमिली मेंबर आ जाएंगे तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो यात्रा कर सकते हैं। वहीं पे कूपे की बात करें, कूपे में अगर एक फैमिली मेंबर के दो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो वो कूपे प्रेफर करेंगे, तो वहाँ पे उनका प्राइवेसी मेंटेन रहता है। बात करें जहाँ तक सुविधाओं की, तो राजधानी एक्सप्रेस में आपको यात्रा के दौरान लिनन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट, तकिया। और वहीं पे आपको कैबिन और कूपे में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है, एक मिरर रहता है, टेबल दिया गया है जहाँ पे आप अपना भोजन कर सकते हैं, देन लोअर साइड के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं। वहीं पे आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं तो आपको यात्रा के दौरान फूड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। और ये सब का आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसका जो पैसा है आपके किराए में ही इंक्लूड रहता है। तो आपको यात्रा के दौरान पैंट्री स्टाफ टाइम टू टाइम आपको ये सब सर्व करते रहेगा। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में आपको रीडिंग लाइट मिलता है, जहाँ पे आप अपना बुक्स और न्यूज़पेपर यात्रा के दौरान पढ़ सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के। और वहीं पे अगर आपका अपर बर्थ का सीट मिलता है तो आप अपर बर्थ पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी दी जाती है, आप उस सीढ़ी पे चढ़ के अपर बर्थ पे जा सकते हैं। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में आपको नहाने की भी सुविधा दी जाती है, यहाँ पे आप यात्रा के दौरान स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कैबिन और कूपे में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बेल दिया जाता है, जो अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप वो बेल प्रेस करके कोच अटेंडेंट को अपने कैबिन या कूपे में बुला सकते हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उनसे मांग सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आपके कैबिन और कूपे के विंडो पे कर्टन्स लगाए गए रहते हैं और आपके कैबिन और कूपे में पेंटिंग भी लगा रहता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि सेकंड एसी में साइड लोअर और साइड अपर का सीट होता है, वहाँ यहीं पे और राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट साइड लोअर और साइड अपर का बर्थ नहीं रहता है, वहाँ पे एक पैसेज रहता है, उस पैसेज से आप अपने कैबिन और कूपे में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम सेफ्टी की, तो इन कोचेस में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए रहते हैं और आरपीएफ पर्सनल भी कोचेस में रेगुलर इंटरवल्स पे राउंड लगाते रहते हैं। और फर्स्ट एसी कोच में आपको कोच अटेंडेंट मिलते हैं, जहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है आप उनसे ले सकते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों कि फर्स्ट एसी कोच में कोई बाहर का वेंडर कोच में नहीं आ सकता है, या फिर वेट लिस्टेड पैसेंजर भी फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये एक खास सुविधा रहती है फर्स्ट एसी कोच में राजधानी एक्सप्रेस की। दोस्तों, अगर आपको राजधानी एक्सप्रेस का टिकट बुक करना हो तो आप इसका टिकट ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, टिकट बुक करने के टाइम पे आपको फूड का ऑप्शन आएगा। फूड में आपको वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का फूड मिलता है। अगर आपको फूड चाहिए रहता है यात्रा के दौरान आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर फूड नहीं चाहिए रहेगा तो नो फूड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नो फूड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यात्रा के दौरान फूड नहीं मिलेगा, और आप अगर ये फूड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यात्रा के दौरान पैंट्री कार से भोजन मिल जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट एसी के कोच में पैसेंजर को पैंट्री कार से ही गर्म गर्म फूड बना के सर्व किया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, जब भी आप राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करते हैं तो आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर भी दिया जाता है सुबह के टाइम में।
तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स के राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। क्या आपने कभी राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल किया है? अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।